जहाजी चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लें, ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जहाजी चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि ट्रू कॉलर चीज़ क्या है, ये कैसे काम करता है और अपना फ़ोन नंबर ट्रू कॉलर से कैसे हटाए। मतलब आपके जो नाम दिखा रहा होगा किसी व्यक्ति के किसी के फ़ोन में, ये नंबर इस आदमी का है, ये आप कैसे हटाए। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। ट्रू कॉलर जब फर्स्ट आया था मार्केट में तो उसमें बिल्कुल डेटाबेस उसका स्ट्रांग नहीं था। जैसे जैसे आदमी उसे इंस्टॉल करने लगा तो उसका डेटाबेस स्ट्रांग होने लगा। इसका मतलब कि जितना भी आदमी उस सॉफ्टवेयर को लोड करता है तो ट्रू कॉलर क्या करता है कि उसका कॉन्टैक्ट सारा कॉन्टैक्ट ले करके अपना वेब सर्वर मतलब डेटाबेस सर्वर में अपलोड कर लेता है। और कभी कोई आदमी किसी नंबर से, मान लीजिए मेरा नंबर ये इसमें सेव है, मैंने इसमें 100 आदमी का नंबर सेव कर रखा है, तो ट्रू कॉलर वो 100 आदमी का कॉन्टैक्ट लेकर के अपना डेटाबेस सर्वर में अपलोड कर दिया। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी और को फ़ोन किया नंबर डायल करके, मैंने उस व्यक्ति का अपना नंबर यहाँ पर सेव कर रखा था, तो ट्रू कॉलर अपना डेटाबेस में सर्च किया इस नंबर को किसी ने सेव किया है कि नहीं किसी व्यक्ति के नाम से। तो जैसे मिल जाता है तो उनको ट्रू कॉलर में शो कर दिया जाता है स्क्रीन पे कि इस नंबर का ओनर ये है। इस मेथड को क्लाउड सोर्सिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर जितना भी आदमी ट्रू कॉलर सॉफ्टवेयर को लोड किया हुआ है सभी का कॉन्टैक्ट को लेकर के अपना डेटाबेस सर्वर में अपलोड कर लेता है। फिर अगर किसी ने किसी दूसरे बंदा को फ़ोन किया तो वो अपना डेटाबेस में सर्च करता है कि इस नंबर का ओनर कौन है, तो वो वहाँ से सर्च करके उसे शो कर देता है। अभी मान लीजिए अगर आपका नंबर भी किसी व्यक्ति ने अपना फ़ोन में लोड किया होगा या और ट्रू कॉलर के सर्वर में अपलोड हो गया, अब मान लीजिए उस नंबर को आपको हटाना है ट्रू कॉलर से, सिंपली आपके अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा आपका अकाउंट। अभी अकाउंट रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आप जो भी नाम सेव करेंगे तो वही नाम हर ट्रू कॉलर यूज़र के पास शो करेगा और एक ट्रू कॉलर में ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप अपना नाम ट्रू कॉलर में हाइड करना चाहते हैं कि नहीं। आप वहाँ से हाइड भी कर सकते हैं अपना नाम और अपना नाम को वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने गलत नाम से सेव किया हुआ है या फिर परफेक्ट नाम ना लिखा हो तो आप वहाँ से अपना नाम चेंज भी करवा सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस फ़ोन में ट्रू कॉलर लोड करके कि नाम कैसे चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसका अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट एडिट प्रोफाइल डेट और आपका नाम जो भी होगा यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे राहुल, अब मैं इसे सेव करता हूँ। मान लीजिए लास्ट नेम ही डालना पड़ेगा, तो जहा मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी मैं किसी को इस नंबर से फ़ोन करूँ और उसके फ़ोन में ट्रू कॉल लोड और मेरा फ़ोन नंबर ना लोड हो तो अभी उसके फ़ोन करते ही वहाँ पर मेरा नाम दिखाएगा राहुल झा। मान लीजिए आपको कोई नंबर सर्च कर देखना है कि वो किसके नाम से है तो जस्ट ऊपर ट्रू कॉलर सर्च यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा आपको नंबर दिखा देगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप नीचे में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।